राजस्थान के भूगोल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको राजस्थान का भूगोल के पार्ट फर्स्ट में राजस्थान की स्थिति और विस्तार विश्व की तुलना में बताई, जिसमें अक्षांश रेखा और वे देशांतर रेखा वे गोलार्ध, जिसमें राजस्थान की स्थिति और उसकी तमाम चर्चा की, और इसके अलावा राजस्थान की स्थिति और विस्तार वे अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के विषय में भी बताया। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे राजस्थान की सीमा के बारे में, यानी कि राजस्थान की बॉर्डर के बारे में जानेंगे, जिसमें राजस्थान की कुल सीमा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा होंगी, जो एक मैप के द्वारा बताई जाएगी, जिसमें आपको हाई क्वालिटी के मैप के द्वारा ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा जिला किस राज्य एवं किस देश के राज्यों से एवं जिलों से मिलता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और ये पूरा सेशन मैप के द्वारा ही होगा। हम किसी भी देश या क्षेत्र की सीमा को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें है स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा दोस्तों, जैसा कि हमें भारत को देखा जाए तो देखते हैं कि दक्षिणी भारत, जो कि एक समुद्री इलाकों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो इसके लिए वो तटीय सीमा हो गई। और हम देखते हैं कि जो भारत है वो उत्तर की तरफ जो चीन और तिब्बत है उससे सीमा साझा कर रहा है, वो स्थल से स्थल की ओर मिल रही है, तो वह हो गई स्थलीय सीमा। उसी तरह राजस्थान के चारों ओर कोई जलीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए जलीय सीमा नहीं लगेगी। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में, क्योंकि राजस्थान की स्थलीय सीमा अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है, तो अंतर्राज्य सीमा ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के साथ साझा कर रहा है। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं विस्तार से चर्चा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि जो कलरफुल है, जिसमें ऊपर से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, तो इनकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है।